जब भी आप ईमित्र के माध्यम से जन आधार कार्ड पोर्टल ओपन करते हैं और वहाँ पे एनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नई सर्विस दिखाई दे रही होगी। सर्विस अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फैमिली इनकम अपडेट के बारे में ये सर्विस है। तो इस सर्विस का उपयोग आपको किस प्रकार से करना है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ किस किस की आय आपको अपडेट करनी है, कौन सा आय का फॉर्मेट लगाना है, उसे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, किस प्रकार से आय के फॉर्म को फिलअप करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान किस किस की आय आपको यहाँ पे दर्शानी है, तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। ऑनलाइन आवेदन करना बताऊँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सर्विस किसके बारे में है और किस लिए है। तो जब भी किसी सरकारी योजना में आवेदन करना होता है तो उसके अंदर आय मांगी जाती है। तो जब आप प्रत्येक वर्ष जन आधार कार्ड के अंदर आय अपडेट करेंगे तो उसके बाद किसी भी सरकारी योजना में आवेदन करेंगे तो उसी आय के आधार पर आपका आवेदन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस समय चिरंजीवी योजनाओं को फ्री किया गया है, उसके अंदर भी ये काम आएगा। इसके अलावा छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं इस वर्ष के, उसके अंदर भी इसी प्रोसेस के माध्यम से आपको आय अपडेट करनी है, उसके बाद ही आप छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा पेंशन योजना में आवेदन करना है या फिर अन्य किसी भी योजना में आवेदन करना है तो पहले आपको आय इस प्रोसेस के माध्यम से अपडेट करनी होगी। उस आय अपडेट करने के लिए ई मित्र पर लॉगिन हो जाना है, यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करना है, सर्च के अंदर आपको टाइप करना है यहाँ पे जन आधार कार्ड। जैसे ही जन आधार कार्ड टाइप करेंगे तो जन आधार कार्ड एनरोलमेंट सीडिंग एंड मनी विड्रॉल सर्विस दिखाई देंगी, इसका आपको चयन करना है, ओके बटन प्रेस करना है। जन आधार कार्ड के पोर्टल पर आ जाएंगे, एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फैमिली इनकम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसी सर्विस का इस्तेमाल करके आपको आय फैमिली की अपडेट करनी है, परिवार के सभी सदस्यों की आय अपडेट करना अनिवार्य है। तो भी आप देख सकते हैं ये वाली सर्विस है, तो इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आगे वाले भाग के अंदर कुछ एक इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने जन आधार कार्ड रसीद संख्या दर्ज करने हैं। यहाँ पर जन आधार कार्ड रसीद संख्या दर्ज करने के बाद खोजे पर क्लिक करना है। जैसे ही खोजे पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, ओके बटन प्रेस करेंगे, परिवार के किसी भी एक सदस्य का चयन करके ईकेवाईसी करेंगे। ईकेवाईसी कंप्लीट होने के बाद अगले वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट से ईकेवाईसी कर लेता हूँ। ईकेवाईसी सफलतापूर्वक हो चुकी है और जैसे ही हो जाएगी तो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो पहले से आय अपडेट की गई हैं अगले वर्ष की वो इस प्रकार से दिखाई देगी, जिस भी सदस्य की प्रोफाइल के साथ आय अपडेट की गई हैं। तो इस वर्ष की जो न्यू आय अपडेट करना है उसका ऑप्शन भी मिलेगा। तो पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करनी होगी आय की, तो जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट के अंदर आय बना के आपको अपलोड करना है। इसके अलावा दूसरा कोई भी फॉर्मेट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट है वो दिया गया है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला फॉर्मेट है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है आय घोषणा पत्र पे और यही घोषणा पत्र आपको तैयार करवा के लगाना है। तो इसके अंदर परिवार के सभी सदस्यों की आय यहाँ पे भरेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आय भर लेता हूँ। तो यहाँ पे जिस सदस्य की आय है उसको भरनी है, नहीं है उसकी 00 भर लेनी है। तो मैं यहाँ पे परिवार के सभी सदस्यों की आय भर लेता हूँ, जिसकी नहीं है उनकी 00 आप यहाँ पे लिखेंगे। जो काम करता है उसकी आय आपको डालनी होगी, टोटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फैमिली इनकम पीडीएफ फाइल अपलोड, तो यहाँ पे ये प्रारूप आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। 5 पेज का फॉर्म है, इसे कंप्लीट तैयार करवाना है और इसे कंप्लीट तैयार करवा के लॉटरी से प्रमाणित करवा के आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले आवेदक का जिसके नाम से आय बन रहा है उसके फोटो लगाना है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस लिखना है यहाँ पे, शहर, तहसील, जिला, जन्म दिनांक, जन्म स्थान, उम्र, विवाहित स्थिति वगैरह यहाँ पे ले लेनी है, धर्म लेना है, जाति लेनी है, यहाँ पे मूल निवासी कहाँ के हैं, आयकर दाता वगैरह डिटेल लेनी है, फिर यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह हैं तो आपको डाल देने हैं, परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल भरनी है, यहाँ पे सभी सदस्यों का नाम भरने हैं, उनकी उम्र भरनी है, उनका मुखिया से संबंध, आय की प्रवृत्ति और आय कितनी है वो आपको यहाँ पर भर लेनी है। उसके बाद आगे बढ़ना है और आगे यहाँ पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आवेदक का वापस फ़ोटो लगाना है और आवेदक की कंप्लीट डिटेल और कौन से ईयर की आय बता रहे हैं वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर करवाने हैं और ऊपर परिवार के सदस्य भी लिख लेने हैं। उसके बाद वापस यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ से नॉटरी के द्वारा आपको प्रमाणित करवाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं नॉटरी पब्लिकेशन के द्वारा प्रमाणित करवाना है यहाँ से, तो यहाँ पर सील वगैरह लगेगी, वकील यहाँ पर प्रमाणित करवा के देगा।
यहाँ पे दो गवाहों के हस्ताक्षर लगाने, एक यहाँ पे और एक जस्ट नीचे, और किसके साइन लगेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। और इस प्रकार से आपका आय तैयार हो जाएगा और इसी आय को आप यहाँ पे स्विच फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, ओके बटन प्रेस करेंगे और आपकी आय अपडेट का आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा। और उसके कुछ दिनों के बाद जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद किसी भी सरकारी योजनाओं में आप आवेदन करेंगे तो कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगी और आसानी से सरकारी योजनाओं में आप आवेदन कर पाएंगे।